हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सभ्यता के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये मैं और मेरी मम्मी सब्जी लेने गए थे मंडी, तो वहाँ से हम सब्जी खरीद रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भरतपुर की मंडी है दोस्तों, कितनी भीड़ रहती है यहाँ की मंडी में। और यहाँ से हम जो नए आलू आते हैं, हम नए आलू बाज़ार से लेके आए थे दम आलू बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैंने आलूओं को उबालने रख दिया है। ये बहुत आसान तरीका है दम आलू बनाने का दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मैंने आलूओं को चढ़ा दिया है अच्छे से साफ़ करके धोकर। और ये मैंने कुकर में उबाले हैं जिससे जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें आते आते बहुत रात हो गई थी। और ये देखिए आलू उबल गए हैं। इन आलूओं को अच्छे से मैंने उबाल कर छील लिया था, और इनमें मैं हल्दी मिला लूँगी जिससे इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा तलने के बाद। हल्दी दोस्तों, हल्दी मिला कर आलूओं को तलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आता है। और दोस्तों एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना दम आलू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सर्दियों में वो आलू अलग ही होते हैं जिससे दम आलू की सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर देखिए, मैंने उनको तलने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है, इनका बहुत अच्छा कलर आया था तलने के बाद। और यहाँ पर मैंने प्याज को अलग, प्याज लहसुन को अलग पीस लिया था, और टमाटर को भी अलग पीस लिया था। और इन दोनों को हम अलग अलग पीस कर अच्छे से, क्योंकि एक साथ पीसते हैं तो अच्छे से ग्रेवी नहीं पक पाती है। दोस्तों हम सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाएं और खाने में टेस्टी लगें। उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल के प्याज लहसुन के पेस्ट को डाल दूंगी और अच्छे से पकने दूंगी। इसको तब तक भूनना है तब तक ये तेल ना छोड़ने लग जाए। और ये देखिए, अभी तो ये कच्चा है इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। और इसमें मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। इसमें जीरा, नमक, धनिया, हल्दी को मैंने डाल दिया है अच्छे से। दोस्तों आप देख सकते हो, इसको मैंने अच्छे से पका लिया था। इसको तब तक भुनने देंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और इसमें मैं बाद में नमक डाल दूंगी, स्वाद के अनुसार नमक डालना है। और थोड़ी कलर वाली मिर्च डाल दूंगी जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं, उसको डालकर फिर मैं इसमें टमाटर को पकाऊंगी। टमाटर को हमें अच्छे से भून लेना है दोस्तों। और इसमें मैं थोड़ा पानी कर दूंगी जिससे मसाला जले ना। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, दम आलू की सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है, होटल से भी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है दोस्तों। और ये कैमरा मैंने अकेले नहीं पकड़ा हुआ था, इसलिए बार बार हिल रहा था। और ये देखिए दोस्तों, मसाले में अच्छे से कलर आ गया है और तेल भी छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने उसको अच्छे से भून लिया था टमाटर को भी, क्योंकि अगर इसमें कच्चापन रह जाता है तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है, इसीलिए इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें जो फ्राई किए हुए आलू हैं मैं उनको डाल दूंगी अच्छे से डाल देने हैं सारे आलूओं को। और देखिए कटोरे में इतना सारा तेल आ गया था, इनको मैं अच्छे से चला दूंगी, इनके ऊपर मसाला कर दूँ। दोस्तों अगर आपको ऐसी सूखी सब्ज़ी पसंद हो तो आप खा सकते हो, इस पराठे और पूरियों से ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं लेकिन हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है,
क्योंकि हमें सूखी सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं है, हमें ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैं इसमें पानी कर दूंगी और पानी करने के बाद इसको 5-10 मिनट तक अच्छे से हम पकने देंगे। ढक्कन लगा के इसको ढक देंगे हम। और ये देखिए दोस्तों, ये सब्ज़ी पक चुकी है और यहाँ पर मैं धनिया और गरम मसाला डालकर इसको बंद कर दूँगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय।